13वां बाब। दो हैवान। और समुन्द्र की रेत पर जा खड़ा हुआ, और मैंने एक हैवान को समुन्द्र में से निकलते हुए देखा। उसके 10 सींग और 7 सर थे, और उसके सींगों पर 10 ताज और उसके सरों पर कुफर के नाम लिखे हुए थे। और जो हैवान मैंने देखा उसकी शक्ल तेंदुए की सी थी, और पांव रीछ के से और मुंह बब्बर का सा। और उस अजदहा ने अपनी कुदरत और अपना तख्त और बड़ा इख्तियार उसे दे दिया, और मैंने उसके सरों में से एक पर गोया जख्मकारी लगा हुआ देखा, मगर उसका जख्मकारी अच्छा हो गया, और सारी दुनिया ताज्जुब करती हुई उस हैवान के पीछे पीछे हो ली। और चूंकि उस अजदहा ने अपना इख्तियार उस हैवान को दे दिया था, इसलिए उन्होंने अजदहा की परस्तिश की और उस हैवान की भी, ये कहकर परस्तिश की कि इस हैवान की मानिंद कौन है, कौन उससे लड़ सकता है। और बड़े बोल बोलने और कुफर बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का इख्तियार दिया गया। और उसने खुदा की निस्बत कुफर बकने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके खैमे यानी आसमान के रहने वालों की निस्बत कुफर बके, और उसे ये इख्तियार दिया गया कि मुकद्दसों से लड़े और उन पर गालिब आए, और उसे हर कबीले और उम्मत और अहले जुबान और कौम पर इख्तियार दिया गया। और जमीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बर्रे की किताब हयात में लिखे नहीं गए जो बनाए आलम के वक्त से जबा हुआ है, उस हैवान की परस्तिश करेंगे, जिसके कान हों वो सुने। जिसको कैद होने वाली है वो कैद में पड़ेगा, जो कोई तलवार से कत्ल करेगा वो जरूर तलवार से कत्ल किया जाएगा। मुकद्दसों के सबर और ईमान का यही मौका है। फिर मैंने एक और हैवान को जमीन में से निकलते हुए देखा। उसके बर्रे के से 2 सींग थे, और अजदहा की तरह बोलता था, और ये पहले हैवान का सारा इख्तियार उसके सामने काम में लाता था, और जमीन और उसके रहने वालों से उस पहले हैवान की परस्तिश कराता था, जिसका जख्मकारी अच्छा हो गया था, और वो बड़े बड़े निशान दिखाता था, यहां तक कि आदमियों के सामने आसमान से जमीन पर आग नाजिल कर देता था, और जमीन के रहने वालों को उन निशानों के सबब से जिनके उस हैवान के सामने दिखाने का उसको इख्तियार दिया गया था, इस तरह गुमराह कर देता था कि जमीन के रहने वालों से कहता था कि जिस हैवान के तलवार लगी थी और वो जिंदा हो गया, उसका बुत बनाओ, और उसे उस हैवान के बुत में रूह फूंकने का इख्तियार दिया गया, ताकि वो हैवान का बुत बोले भी, और जितने लोग उस हैवान के बुत की परस्तिश न करें उनको कत्ल भी कराए। और उसने सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों और गरीबों, आजादों और गुलामों के दहने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो, और कोई खरीदो फरोख्त न कर सके। हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। शलोम। खुदावंद खुदा, खुदा एलोहिम की सलामती आपके साथ हो, और आप सभी सुनने मुकम कहता हूँ। आज की हमारी ट्रुथ सच्चाई बिब्लिकल इंफॉर्मेशन की स्टडी में, और ये स्टडी ख़ास तौर पे आप सबके लिए इसलिए बनाई गई है ताकि आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करें।